हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस टॉपिक के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 1 अप्रैल 1935। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुई थी, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, 1949। तो आरबीआई का नेशनलाइज हुआ था 1949 में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला मुख्यालय कोलकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इनसिग्निया ऑफ द आरबीआई? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? तो वो है टाइगर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ट्री ऑन द इनसिग्निया ऑफ द आरबीआई? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पेड़ है? तो वो है पाम ट्री, ऑप्शन ए, यानी खजूर का पेड़। आगे बढ़ते हैं, विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो वो की थी हिल्टन यंग कमीशन ने। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए, हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट, बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो वो की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर ऑप्शन ए, सी डी देशमुख। अगर आपको पहला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, और अगर इंडियन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सी डी देशमुख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वह शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई की नियुक्ति कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? आरबीआई के गवर्नर कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो वो 3 इयर्स के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन? भारतीय रिजर्व बैंक किस मूल्य वर्ग तक के करेंसी नोट जारी कर सकता है? तो वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 10,000 तक। आगे बढ़ते हैं, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, सर बेनेकल रामा राव। तो इन्होंने फर्स्ट जुलाई 1949 से लेकर 14 जनवरी 1957 यानी 7 साल तक उन्होंने अपना पद संभाला था। नेक्स्ट, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो वो था अमिताभ घोष, ऑप्शन सी। तो अमिताभ घोष इन्होंने 15 जनवरी से 4 फरवरी 1985 यानी सिर्फ 20 दिनों तक के लिए उन्होंने अपना पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द राइट टू इशू कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी, यानी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंडियन बैंकिंग एक्ट कम इनटू फोर्स? भारतीय बैंक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1949 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्रॉम? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, 1 जुलाई टू 30 जून। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंक्स वेयर फर्स्ट नेशनलाइज? भारत में पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? फर्स्ट फेज में कितने किए थे? तो
तो वो किए थे 14, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट फेज में पहले 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन सेकेंड फेज, और दूसरे चरण में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका आंसर जाता ऑप्शन डी के साथ, 6। पहले फेज में 14 किए गए थे और बाद में 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी। इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई की पहली महिला उप निदेशक कौन थी? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, केजी उदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी दर आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएलआरआर। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंक रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर यानी स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशो, ये तीनों जो है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन पीएलआर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इन इंडिया हाउ मेनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई, भारत में आरबीआई के कितने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है? तो वह 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्क्स एज आरबीआई एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन, उन जगह पर आरबीआई के एजेंट के रूप में कौन काम करता है जहां पर उसका अपना कोई कार्यालय नहीं होता? तो वहां पे एसबीआई वर्क करता है, ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई, आरबीआई का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो देखिए, बैंक ऑफ द बैंक्स ये भी है, क्रेडिट कंट्रोलर ये भी है, और कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी ये भी है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये जो वर्क है ये नाबार्ड का वर्क है, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। तो ये जो वर्क जो है ऑप्शन डी का, ये नाबार्ड का है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस फ्रॉम, भारत कब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1947। आगे बढ़ते हैं, द फोर प्रिंटिंग प्रेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड दैट प्रिंट करेंसी नोट आर लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, नासिक जो महाराष्ट्र स्टेट में है, देवस जो एमपी में है, मैसूर जो कर्नाटक में है, और सलबोनी जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर ये 4 प्रिंटिंग प्रेस मुद्रा प्रिंट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया आर अंडर हूज प्रोटेक्शन, तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में आता है? तो ये आरबीआई के आता है, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और लर्न विद मंजू चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, धन्यवाद।